हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। मैं विनोद जंगड़ा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चों ने बनाया है वो मैं बताऊंगा। अभी एक मॉडल हमने तैयार किया है, किस चीज़ का वो जो मॉडल हमने बनाया है वो कैसे बनाया है विद इन प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊँगा भी कौन कौन से भाग उसके अंदर रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल के वीडियो को आप अंत तक देखें। तो बेटा एक बार जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसके ऊपर आप फोकस करोगे भी कितनी अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से हमने वो तैयार किया है, तो इसके ऊपर एक बार फोकस करना। ये देखिए हमने एक बनाई है मशीन वाइज, ठीक है। ये लास्ट ईयर के जो बच्चे थे फोर्थ सेमेस्टर के, उन बच्चों ने ये मॉडल तैयार किया है। और कैसे कैसे तैयार किया, ज़बरदस्त तरीके से इसकी फिटनेस गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चों ने किए हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा अभी कौन सा भाग का क्या करियर रहेगा और कैसे हमने इसको तैयार किया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल एज इट ही ये काम कर रही है। ये यहाँ पे ये देखिए पूरी की पूरी स्क्वायर थर्ड्स निकाली हुई है, यानी चौर चूड़ियाँ यहाँ पे निकाली हुई है। यहाँ पे एक हमने पुश सिस्टम से फिट किया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ये जो नट नज़र आ रहा है वो बिल्कुल हमने इस डाय के अनुसार इसके अंदर फिट किया हुआ है। पीछे मैं दिखाता हूँ इसका बैक, देखिए ये बैक देखिए यहाँ पे, यानी ये जो हमने जो पीस लिया हुआ है वो 20 mm की एक फ्लैट थी, उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे एक झीरी निकाली हुई है, ठीक है ना, ताकि ये स्लाइड करने के लिए। ये देखिए स्लाइड कर रही है, कैसे स्लाइड कर रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसको फिट किया हुआ है, कोई भी जॉब हम आसानी से इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मशीन वाइज ये देखिए यहाँ पे कैसे लगाया गया है, इस स्पिंडल को लगाने के लिए हमने क्या काम किया। ये देखिए अलग से एक सपोर्ट डाली गई है ताकि हमारे जो स्पिंडल है उसका अलाइनमेंट सही बने। इसको टाइट करने के लिए ऊपर ये देखिए यहाँ पे एक होल किया गया है स्पेशल, ताकि ये स्पिंडल बाहर नहीं निकल जाए, कितना भी बैक कर लो लेकिन ये स्पिंडल बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए एक ऊपर से हमने एक स्क्रू लगा दिया गया है और एक सपोर्ट लगा दी गई है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ है वो गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चों ने किया है और ये मॉडल मशीन वाइज का हमने ये तैयार किया हुआ है विद इन पूरी एक्यूरेसी। मैं दिखाऊंगा भी कैसे कैसे। ये देखिए मैं बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ इसको, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे माइनर जीरो दिखाऊंगा भी, बारीक से बारीक जॉब भी हम पकड़ सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये मशीन वाइज का हमने मॉडल तैयार किया हुआ था, बिल्कुल एज इट देख सकते हो कैसे कैसे हमने इसको तैयार किया हुआ है। एक एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप भी ये मॉडल आप बनवा सकते हो। ये देखिए कैसे बेल्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इस साइड से मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल, ये चीज़ देखिए यहाँ पे आप ये वाली, ठीक है ना, कैसे तैयार किया हुआ है इस चीज़ को। अभी आपको ये कुछ नज़र आ रहा होगा, इस साइड से नहीं है, इस साइड से देखिए यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है। ये देखिए कैसे बुश लगाया हुआ है, ठीक है ना। बुश का मतलब क्या है, यहाँ पे एक है, हमने थ्रेड निकाल के एक अलग से क्या फिट किया हुआ है, नट फिट किया हुआ है। अब आपको जॉब क्लैंप करके मैं दिखाऊंगा कि वाकई में ये जॉब इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमने ये वाइस तैयार की हुई है, काफ़ी ईजिली इसको चलाया जा सकता है। ये देखिए जॉब पकड़ेंगे इसके अंदर, ये देखिए कैसे इस जॉब को हमने पकड़ा है, ठीक है ना। यहाँ हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं इसके ऊपर, तो ये जॉब मशीन वाइज मशीन पे लगा कर ही हम इस वाइज का प्रयोग करते हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से हमने ये बनाई है। चूड़ियाँ देखिए इसके अंदर कितनी क्वालिटी एक्यूरेसी के साथ कटी हुई है, पूरा का पूरा जो काम है ऑल टोटली इस मशीन के अंदर गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चों ने एज एटी आईटीआई के अंदर ही तैयार किया हुआ है और इस मशीन को, ठीक है। तो प्लीज़ ये देखिए कैसे कैसे हमने तैयार किया हुआ है, पूरी वीडियो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि प्रोडक्ट हमने कैसे तैयार किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का भी बटन दबा लें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे जैसे एनसीईआरटी के एग्ज़ाम आ रहे हैं कंटिन्यू मैं मेरे चैनल के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो अपने जितने भी यार दोस्त मित्र हैं उनको ये लिंक शेयर करें ताकि वो विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।